जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। हेलो, हाँ जी, हाँ राजेश सर, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। रवि जी, जय भोले बाबा जी की। क्या हाल है आपके? बस कृपा भोलेनाथ जी के, प्रभु आप सुनाइए कैसे हैं आप? हम लोग भी गांव पे बैठे हैं। हम भी घर में ही बैठे हैं अभी तो। कह रहे कुछ ऐसा आया है क्या जो 23 से यात्रा शुरू होना था उसको भी 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है क्या? नहीं नहीं, ये लोगों ने अभी खुद से ही ऐसा मान लिया है ना लोगों को। अच्छा। की जो डेट पड़ गई अभी शाइन बोर्ड का कुछ अपडेट नहीं हुआ है। बोर्ड का भी जो है अपडेट जो है वो जब ही होगा। 15 तारीख की डेट है ना। हालात ऐसे थे पहले तो लग रहा था कि 15 तारीख तक शायद हो जाएगा, लेकिन अभी केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा। जी हाँ, अभी तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है नया में। बस बस बस, ये थोड़ा इस चक्कर में तो ये तो लगभग यूपी के लगभग हर जिले में बढ़ाती है लोग। हाँ हाँ, तो अभी यही है कि अगर ये 15 तारीख तक अगर लॉकडाउन खुल जाता है सभी राज्यों में, स्थिति नॉर्मल हो जाती है तो फिर डेट बढ़ने के चांस कम है आगे। लेकिन अगर यही डेट हमारी अगर 15-20 दिन और बढ़ जाती है तो फिर तो साइन बोर्ड को भी टाइम चाहिए, क्योंकि भंडारे वाले भी जाते हैं ना यात्रा के लिए। भंडारे वालों को परमिशन इस टाइम मतलब देनी शुरू कर देते हैं अप्रैल मई में। वो लोग भी परमिशन लेना, सामान इकट्ठा करना, पहुंचाना, अभी लॉकडाउन है तो कुछ भी नहीं हो पा रहा किसी का भी। हाँ, अभी तो सारा बंद होगा। हाँ, पर अभी ये है कि अभी तो कह पाना मुश्किल है यात्रा के लिए भी ना, ऐसी कंडीशन है। मई तक भी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो बाबा जी की दर्शन के लिए हम जा सकते हैं, पर हालात मई तक होगा। हाँ, मैं जिन भी लोगों का फोन आ रहा है सबको ये समझा रहा हूँ कि आप भी घर में बैठे, औरों को भी घर में बिठाएं और स्वस्थ रखेंगे जब भोले बाबा जी के दर्शन हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात ये लगी कि जितने भोले बाबा के भक्त हैं वो लोग किसी न किसी तरह से इतने समझदार हैं, मतलब गॉड जी। हाँ बिल्कुल, गॉड गिफ्टेड चीजें जितने लोगों से बात की ना वो सब लोग मुझसे पहले ही ये चीज बता रहे हैं कि हम अपने घर में ही हैं और औरों को सेवा कर रहे हैं, और जितनी सेवा उनसे हो पा रही है चाहे वो भंडारे का कर रहे हैं चाहे सामान इकट्ठा कर रहे हैं बेचारे, बहुत सेवा कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है जान के चलो भक्ति में इतनी शक्ति है कि जो प्रभु से जुड़े हुए हैं कम से कम वो तो सही रास्ते पे हैं। जी हाँ, जो हाँ, जो उनके में मन लगाए हैं अपना। बस बस बस, जिनका प्रभु ने हाथ थाम रखा है ना उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो जी, आज भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं, छुट्टी है घर पे बैठे हैं लेकिन किसी ना किसी तरह से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। जी हम तो खुद अपने लोकल स्तर पे जितना हो सकता है मैं अपना कुछ करते हैं। आपने तो वो एक नोट भी डाल के मतलब बना के भी शेयर किया था ना। जी हाँ, तो मैं कहता रहा हूँ मतलब जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं ना उनको ना ही भगवान की जैसे मेरा अपना विश्वास है ना ही दिक्कत आई ना ही दिक्कत आएगी। क्योंकि देखो जो प्रभु के नाम का सिमरन में लगा हुआ है रात दिन उसको दिक्कत नहीं। और अभी तो हम अपने गांव में प्रधान के यहाँ से कुछ नहीं है खाते होते में कुछ पैसा। अच्छा, तो मैं अपने स्तर से अपने गाँव में दवा के लिए कर दिया हूँ, आ जाएगा एक दो दिन में छिड़वाने के लिए पूरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, कर दिया जाए। ये भी एक तरह की बहुत जी, हाँ, ये भी सेवा है जो चाहे जिस तरह से आप कर सकते हैं। सही बात है जी, मानवता का बचाना भी, किसी को एक तो बीमार को दवाई देना, एक बिना बीमार हुए ही पहले उसका इलाज करना, ये भी बहुत बड़ी जी, बात हाँ, सही बात, बहुत बड़ी बात है। आप तो वैसे भी मतलब कहते हैं ना कि ज्ञान जिस इंसान को वो किसी भी फील्ड में सेवा कर सकता है। जी बिल्कुल सर। हाँ, बहुत बढ़िया लगता है वो, ये अपने ग्रुप में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और कहीं ना नहीं सर, आप तो भाई वास्तव में बहुत लोगों के मार्गदर्शक हैं। नहीं, हम तो क्या ना, देखो मैं बताता हूँ, अगर कोई इंसान खुद को भगवान मान ले ना वो तरीका नहीं है। मैं आपको अपना बता रहा हूँ, मैं भी जैसे आपसे बात करता हूँ ना तो आपसे सीख के ही काम करता हूँ। अगर मैं दिन भर किसी से बात ना करूँ ना 4-5 रोज तो मैं भी काम करता हूँ, क्योंकि एनर्जी जो है औरों से ही मिलती है। अभी मैं आपसे बात करता हूँ मुझे एनर्जी मिल रही है ऑटोमेटिक। हाँ बिल्कुल, ये अपने लोगों को होता है थोड़ा सा कि कुछ पॉजिटिव चीजें मिल जाती है। जैसे भी आप समझ में आती है बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा तो मेरे को लगा हाँ यार बहुत अच्छी बात है, मतलब पैसा लगा होगा उनका भी। ऐसे सुबह हमारे एक मोहित जी, हम लोग उसका प्रचार नहीं किए राजेश सर जी, लेकिन आप बता रहे हैं हमारे साथ जैसे कुछ ऐसे अधिवक्ता लोग हैं जो अभी नई उनकी वकालत है और एक बाइक लॉकडाउन हो गया वो लोग फंस गए थे इलाहाबाद में। जैसे नया अधिवक्ता है वही 6-7 महीना का प्रैक्टिस था, परिवार लेके जा रह रहा था। तो अभी नए अधिवक्ताओं को बड़ी दिक्कतें होती हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोग एक अपना बनाए हैं, टीम बनाए हैं। अच्छा, उसमें हम लोग अपना जैसे जितना जितना हो सके 200-400-500 बहुत बढ़िया, तो अपना उसमें योगदान हम लोग कर रहे हैं कि भाई वो लोग ना फंसे रह जाए। नया अधिवक्ता है और घर से भी नहीं मिल रहा है तो जाएंगे। मेन बात यही है ना, जो सेवा भाव है ना
मैं बता रहा हूँ किसी से जेब से एक रुपया नहीं निकलता। एक टाइम में हमारी जेब से भी 6-7 पहले एक रुपया नहीं निकलता था। हम सोचते थे कि इस पैसे को जोड़ेंगे तो हमारे काम आएगा, पर जब भक्ति करते हैं ना तो अपने आप ही सेवा भाव होता है कि यार पैसे का क्या करना है, वो ज्ञान हो गया ना आपको। सबसे बड़ी बात है ज्ञान की प्राप्ति होगी कि जितना मेरी जरूरत का है और प्रभु चाहेंगे तो मेरे पास लाखों रहेगा, प्रभु नहीं चाहेंगे मेरे जोड़ने से धन नहीं जुड़ेगा, है ना। हमारा है, हमारे पिताजी एक्सपायर किए अभी सितंबर में, 22 सितंबर को राजेश सर। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी रिटायर हुए थे और 2-3 महीने में ही एक्सपायर कर गए। वह हमको लगा उसी दिन कि बेचारे जिंदगी भर पैसा 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 करते रहे, लास्ट में पैसा छोड़ के चले गए। बिल्कुल। इसका उतने ही आप कमाइए, उतने ही सोचिए, जितना हो सके चारों को खिला दीजिए। कहीं ना कहीं से आप कुछ ऐसा करिए कि आपको लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा किया है। खुद से खुशी मिलती है। सुबह मेरे गुजरात में एक भैया हैं, वो 15 साल से यात्रा पे जा रहे हैं, तो उनसे ऐसी बात हुई तो बड़े खुशी उन्होंने बताया कि हमने पूरी टीम बनाई है और मुझे बड़ी खुशी हुई। बोला बताते हुए मैं आपको वीडियो भेजूंगा, तो मैंने कहा ठीक है इतना अच्छा इस टाइम में। और बता रहे हैं कि पूरा मतलब ये सोशल डिस्टेंसिंग का रखते हुए, ग्लव्स पहन के, किसी तरह से लोगों को तक कोई दिक्कत ना पहुंचे, गवर्नमेंट की चीजों को भी ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो होती है खुशी होती है रवि जी, पर यही है प्रभु कृपा, यही हम तो कहते हैं कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल विपरीत चल रहे हैं, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक अलग धारा है और वो ही धारा सबको कहीं ना कहीं से जोड़ देगा और कहीं ना कहीं सबको मेरे ऊपर अभी संख्या कितनी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। मैं कह रहा हूँ अगर अभी वो लोगों का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होता तो 500-600 केस होते। इंडिया पूरी विश्व की निगाह है, ठीक, इंडिया इतना अच्छे से इसको कंट्रोल कर रहा है, बहुत अच्छे से, बहुत मतलब इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और समय के हिसाब से बिल्कुल मतलब तो होने जा रहा। हम तो अपने घरों में बैठे हैं लेकिन डॉक्टर, पुलिस, आर्मी, मतलब जो भी लोग सफाई वाले, जो भी लोग घर से बाहर हैं, उनके पास तो पल पल का रिस्क है। डॉक्टरों तो रहना है उनके बीच में, फिर भी कुछ लोगों ने ऐसा कर दिया। अब वो तो सोचिए कि 5-10 मिनट के लिए निकल जा रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे का तबियत खराब था, हम चले गए डॉक्टर कल दिखाने के लिए। अच्छा अच्छा। और मतलब अंदर से डर था कि कहीं कोई बात ना हो जाए, कोई बात ना हो जाए। दूरी है कि भाई दूरी बनाए रखिए, लेकिन वही तो आए कि बेचारे वो बाहर है सर, कहीं डॉक्टर तो जो पुलिस विभाग है वो तो ग्लव्स भी नहीं पहना है। वाला केस देखा मुझे बड़ा दुख हुआ, इतनी मेहनत से केस को बचा के रखा था, सब लॉकडाउन कर दिया एक बारी में 21 दिन के लिए, हमारा सब कुछ कंट्रोल में आ जाता। 700-600 केस होते, ज्यादा 1000 केस हो जाते, 1500 केस हो जाते, लेकिन कंट्रोल में आ जाता धीरे धीरे। जहाँ पे केसेस नहीं है वहाँ खुलना शुरू होता, अब देखिए आप हर जगह फैल गया और बुरी तरह फैल गया। अब तो लगभग हर जिले में, हमारे प्रदेश में तो यूपी में तो मांग के लिए सर ये हाल हो गया कि लगभग हर जिले में मिल गए हैं लोग। बताइए बहुत मुश्किल हो जाता है, अब कहाँ बचेगा। आदमी सामान लेने के लिए गया ही होगा, दुकानदार जाएगा ही, दुकानदार से उसके 10 ग्राहक हो जाएगा, कहीं ना कहीं से वो बिल्कुल, बिल्कुल। अपना फैलाता रहा होगा, बहुत मुश्किल है जी। और लोग जानते हैं सर, लोग इसको धर्म से जोड़ लिए, ज्यादातर कोरोना को लोगों ने धर्म से जोड़ लिया। लोगों को कुछ नहीं मिलता तो भगवान ही मिलते हैं, मतलब यही धर्म जोड़ लिए। बता रहा हूँ लोग ना भगवान के रास्ते को समझदारी में नहीं बेवकूफी में यूज करते हैं, पता नहीं चाहे वो कोई भी हो, पर इसको ऐसे सोचते हैं कि भगवान के नाम से लोग इतने जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं। मैं तो सोचता हूँ चलो जोड़ने वाला तो चलो वो तो समझदार है, वो लोगों को जोड़ा, लेकिन जुड़ने वाले कितने समझदार है आप वो देखो ना, जिनको ये नहीं पता। अभी अभी एक चैनल था, वकील थे, लेडीज थे, जमात के थे, लेडीज थे, अभी आ रहा था हम आज तक से या किसके देखे हैं याद नहीं पड़ा है, उसको देखे, उनसे पूछा एंकर था, पूछा कि ऐसा ये बताइए कि पाकिस्तान बुरा है कि बीजेपी, उनका जवाब नहीं, वो पाकिस्तान की बड़ाई करेंगे, जो टिकटॉक एक नया वीडियो डाले हैं ना कोरोना कि इसमें ये अल्लाह का 5 टाइम नमाज अदा करिए, ये करिए तमाम चीजें, तो कहीं ना कहीं लोग उससे कुछ ना कुछ तो भाई 10% भी अगर मोटिवेट होंगे तो 10% बहुत बड़ी चीज होती है, लग रहा है सब फर्जी है, कोरोना कुछ नहीं है, तो जो भी है उनकी अपनी धारणा है क्या है, बट इस समय तो हर चीज से उठ के सोचना चाहिए कि नहीं इसको किसी तरह से हटाया जाए, कितना हो सके घर में रहे। हाँ। हमारे एक मित्र हैं गुजरात में राजेश जी, वो वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं गांधीनगर से। अच्छा अच्छा। तो वो बता रहे थे कि उनको कुछ नहीं मिल रहा था, जो ये गुल्लर होती है हम लोग के गांव में बोलते हैं गुल्लर, हाँ जी जी जी, उसका चोखा बना के वो लोग खा रहे हैं, उसकी सब्जी बना के खा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलना है। बहुत अच्छी बात है सर, इंसानियत ये मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब आप ये लगा लीजिए 2 हफ्ते मुझे हो गए, पर हाँ कहीं ना कहीं मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ कि भोले बाबा जी ने जो किया है और जो हमारी गवर्नमेंट चाह रही है मैं उसके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ, मुझे खुद में खुशी हो रही है।
किसी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, खुद अपने मन को समझा पा रहा हूँ, अपने बच्चों को अपनी वाइफ को बता पा रहा हूँ कि देखो हमने जो इनिशिएटिव लिया था हम पूरा कर रहे हैं, हम उसके विपरीत नहीं है, तो वो दिक्कत हमारे पास कैसे आ सकती है? दिक्कत तो जब आएगी ना, जब हम किसी का मतलब किससे वो जो मना किया उसके विपरीत जाएंगे, तो विपरीत जाएंगे, विपरीत उसकी दिशा में हम जाएंगे। मैं बहुत सोचा, बहुत बात हुई हमारी भी, अभी समिति की पिछले हफ्ते मीटिंग चल रही थी हमारी भी ना, सब समिति में काफी सारे लोग हैं, तो कुछ लोग कह रहे थे बाबा खाना बना के देते हैं, कुछ ये कह रहे थे, तो आखिरी में जो डिस्कशन हुआ टॉप लेवल पे वो यही हुआ कि भगवान ना करे कि किसी की फैमिली में हो और वो खाना बना बना के देते रहे और लोगों को, वो भी सही नहीं। बिल्कुल, लास्ट में फिर फाइनल डिसीजन ये होगा कि देना ही है कुछ, तो प्रधानमंत्री राजकोष में देंगे बोला, तो पिछले इसी मंडे को हमने 11,000 रुपए अपने प्रधानमंत्री राजकोष में डाल दिए और अपने जितने भी समिति के मेंबर है सबको बता दिया कि अपने घर में पुराने कपड़े या जरूरत का सामान जो भी नहीं है तुम्हारा सब इकट्ठा करो, जैसे ही ये सब ठीक होगा तो लोगों को जरूरत होगी, क्योंकि पैसे की दिक्कत हो ही जाएगी ऑटोमेटिक, तो कपड़ा जूता उस टाइम बांट देंगे हम, उस टाइम भी तो देखो जो तो गवर्नमेंट उस टाइम कुछ खाना देगी नहीं और एकदम से दिहाड़ी मजदूरी मिलनी नहीं है, तो उस टाइम हम अपने घर के आसपास पांच पांच फैमिली पकड़ लेंगे, उनका राशन पानी खरीदेंगे। फिर हमारी समिति के एक भैया हैं, उनकी शॉप है, उन्होंने बताया कि हमारी शॉप पे कुछ लोग आते हैं तो पैसा, तो हमने कहा भैया आप वहाँ से देना शुरू करो, जो भी बनेगा खर्चा हम सब इकट्ठा भर देंगे उनको, जो मतलब छोटा मोटा पैकेट बना के, तो कह रहे भैया जो ऐसे दे दिया है, बाकी तो काफी लोग तो चले ही गए यहाँ से ना, इंडस्ट्री से चले ही गए बेचारे अपने अपने घर, उनको लगा कि दो तीन महीने का ऐसा ना होकर बंद हो जाए, तो यहाँ पड़े पड़े खर्चा कैसे भरेंगे, तो काफी लोग तो चले गए, पर फिर भी चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसे छोटे छोटे कदमों से कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो खुद को भी खुशी मिलती है और ना आपको और खुशी मिलती है। अब इतनी बात ना किसी और से नहीं कर पाएंगे हम लोग, लेकिन एक पद के है ना, एक सोच के हैं, एक बाबा के दर्शन की, तो ये अलग ही है। मैंने आपको देखा नहीं, देखो आज तक आप मुझसे नहीं मिले, लेकिन हमारा फोन, हाँ फोन पे बात होती है, लेकिन इतना मन वो होता है कि चलो यार कोई सेवा करने वाला, कोई ऐसी सोच रखने वाला इंसान है सामने, है ना, अच्छा लगता है हमें भी, बहुत खुशी होती है। और देखिए हम लोग कहीं ना कहीं अपने सनातन धर्म में अपने आप को जोड़ते हैं, तो हमको यहीं से हर चीज मिलता है, सब कुछ आप देख लीजिए ना, महाभारत रामायण सब कर्मों का खेल है, है ना, बिल्कुल तो कर्म, हाँ। कर्म प्रधान आपका क्षेत्रफल है, आपको इसी में कर्म करने, आप जैसे मर्जी कर्म करें। अब क्या हमारे जो सीनियर है राजेश सर, हमारे जो सीनियर है, हाँ जी हाँ जी, वो पुलक गांगुली नाम उनका है, किंडल के उत्तर प्रदेश के क्या हाईकोर्ट के बहुत अच्छे लायर हैं। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने हमसे एक दिन कहा कि देखिए आप, हम लोग किंडल के लायर हैं, कहे कि देखिए किंडल के लायर में कम से कम कोशिश करिए कि आप साल में एक जगह धार्मिक स्थान पर जरूर जाइए, और कोशिश करिए कि आप अपने अंश को कहीं ना कहीं आप दीजिए कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, हाँ इसके एक भूखा का पेट भरेगा, आपको दुआ देगा तो आपको लगेगा। नहीं नहीं रवि जी, तो मैं बहुत मानता हूँ जो शक्ति दुआओं में ना, खुशियों में ना, मैंने देखा है, क्योंकि मैं तो अपनी फीलिंग बताता हूँ, क्योंकि किसी और से क्या सीखा, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले जब हम किसी को डोनेट वगैरह कुछ नहीं करते थे तो पैसा दे नहीं पाता था भगवान की कृपा से, जब से देना शुरू किया प्रभु ने और देना शुरू किया, काम रुकते ही है, जब रुकते ही नहीं है हमें समझ आ गई कि मेन मूल ही भोलेनाथ है, मतलब वो मानने वाली बात है, शक्ति पावर है, यूनिवर्स में पावर है, हम किसे मानते हैं वो आपके ऊपर है, तो वही है, अब करना शुरू किया तो करते करते अभी भी देखो, अभी 4-5 दिन में पूरे घर का काम निपटा दिया, पुराने कपड़े धो धा के प्रेस कर दिए, जो भी फैमिली की रिक्वायरमेंट थी फुलफिल कर दी, अब अपनी किन्न कैलाश श्रीखंड अमरनाथ जी की जो हमारी वीडियो थी पिछली बार, अमरनाथ यात्रा करके आए थे हम, तो हमने ये पता नहीं कहाँ से आइडिया है भगवान की कृपा से कि यार ऐसा रूट बनाते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं जो नहीं जा पाते हैं, जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, वो पूरा रूट देख लें, पूरा रास्ता देख लें, तो मैं ये मान लिया कम से कम 300 वीडियो बना के लाया हूँ, 300 वीडियो हमारी टीम के सदस्यों ने, हमने 5-6 बंदों को ये काम दिया था, उन्होंने पूरा कैप्चर करके बनाया, अब उसकी आज हमने तीसरी वीडियो अपलोड की है, तो हमने उसमें रोज की 5-10 वीडियो बनाएंगे, डेली अपना डालेंगे, भक्तों तक पहुंचाएंगे, मतलब भगवान से जुड़े रहना है, जय बाबा बरमा, बिल्कुल यही हमें शक्ति देती है जी, ईश्वर यही हमको शक्ति देती है और इसी से हमारा सब कुछ है। हाँ क्योंकि मैं ये दिन हम इससे मुंह मोड़ लेंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा, मैं तो सारे काम, आप फैमिली के पास पूरा दिन बैठे रहो मुंह के आगे, लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, उनकी बात आपको पसंद नहीं आएगी, आपकी उनको ऐसे क्या, आप काम में लगे हो, आप भोले के काम में लगे हो, दिन भर एक बार ओम नमः शिवाय, जय भोले की, अमरनाथ चंदनवाड़ी सब आपके दिमाग में रहेगा, कोई आपसे कुछ उल्टी तेज आवाज में बोल देगा ना, आप कहोगे हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा, वही आप खाली बैठे तो आप इरिटेट हो जाओगे, सर कोई बोलेगा ना तो आपके मन में अच्छी विचार है, आप उसको बोलेंगे कितना आपसे नफरत करेगा, जी बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत कितना आपसे नफरत करेगा, वो सही बात है जी, और बेटे आपके अंदर प्रभु बसे रहेंगे तो आपके शब्दों में भी प्रभु रहेंगे,
बिल्कुल, तो सामने वाला आपको ऐसे भी दूर हो जाएगा, कहेगा छोड़ो यार क्या ऐसे लगे, या तो बहुत अत्यधिक करीब है या तो बस बहुत अत्यधिक पागल है, क्या हो जाए। समझ ये बात तो सही आपको भी सही एक्सपीरियंस हो गया। मैं सर हम जानते हैं एक लोग फोन हमको किए थे अभी, वही हमसे बता रहे थे यात्रा को लेकर, शायद कोई न्यूज में कल आया था कि 15 दिन आगे जो 23 वाला था इसको 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है, कोई हमको फोन किया था, रुकिए हम पता कर लेते हैं। नहीं एक्चुअली क्या है, कुछ आइडिया होता है लोगों का, ऐसा साइन बोर्ड पे जैसे अपडेट होगा मैं वीडियो बना के आपको जरूर शेयर करूंगा। हमारा साइन बोर्ड पे मेन रहता है, क्योंकि साइन बोर्ड की जो वेबसाइट अपडेट होता है आज तक का रिकॉर्ड है वो सही इन्फॉर्मेशन होती है। न्यूज चैनल वाले क्या है ना, ऐसा अनुमान है कि यात्रा 15 दिन आगे बढ़ सकती है, और हमारे चैनल पे जो यात्री जुड़े हुए हैं वो कंफर्म, उनको लगता है कि इन्होंने बोल दिया तो पक्का हो जाएगा, तो इसलिए हम साइन सर ये तो बिल्कुल है, हम मैंने सही करें बिल्कुल, आपका आपका जानकारी और शायद हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। नहीं नहीं बस, तो जैसे ही बाबा जी के आशीर्वाद से हम भी सोचते, गलत देखो जी सेवा करते करते कुछ कार्य ऐसा ना हो जो कि हम पाप के भागीदार बने, है ना। देखो दुआएं मिलती हैं, एग्जांपल मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी, आपने कहा वाह यार लड़का कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, भगवान सुखी रहे, वही मैंने गलत दी, अब यार इसने तो मरवा दिया, मेरी पूरी प्लानिंग खराब कर दी, सत्यानाश कर दी, वो भी कहीं ना कहीं मिलेंगी, जब अच्छाइयां मिलती हैं तो बुराइयां ही मिलती हैं, तो कोशिश ये करनी बिल्कुल थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि हमें देखो अमरनाथ जी डेट का भी हमें शुरू में पता लग गया था कि डेट ये होगी, पर जब तक अपडेट नहीं हो गया ना साइन बोर्ड पे हमने नहीं वो किया। हाँ आपसे मेरी बात भी हुई थी ना उस टाइम, तो मैंने कहा था देखिए सर ये आ गया, क्या आपने कहा था कि नहीं अभी देखिए साइन बोर्ड पे नहीं आया, कंफर्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सही बात है कम से कम हमारे पता नहीं कितने लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, उससे जानकारी ले रहे हैं, तो उनके पास सटीक जानकारी हो, बिल्कुल वो भी किसी को दे तो सटीक जानकारी हो, बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये आप लोग इस बार श्रीखंड भी जाएंगे कि बस अमरनाथ वाला ही है, अभी तो मैं प्लान नहीं बता सकता, पर ये है कि उम्मीद तो है कि पहले बाबा जी के दर्शन हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो गया तो इस बार देखो मैं श्रीखंड होया हूँ, किन्नर कैलाश भी होया हूँ, और किन्नर कैलाश की यात्रा तो शायद 2-3 साल बंद है अभी, क्योंकि वहाँ टेरेस्टी हो गई थी पहले ना किन्नर कैलाश जी में, तो 2-3 साल शायद बंद है, लेकिन श्रीखंड की यात्रा खुलेगी, तो मेरे पास श्रीखंड की पूरी इन्फॉर्मेशन है, और कोशिश रहेगी कि अमरनाथ जी की वीडियो के बाद मैं श्रीखंड की वीडियो बना के शुरू कर दूँ और मैं अपलोड कर दूँ जो भी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, और वहाँ से मेरी बात हो रही है तो वो भी बता रहे हैं कि मतलब वही श्रीखंड के 15 जुलाई के आसपास उसके स्टार्ट होती है, तो उसमें तो शायद राजेश सर उसमें शायद मेडिकल पहले कोई ऐसी नहीं होती है ना, वहीं बैक होती है ना, कोई मेडिकल नहीं होती है, वहाँ जाना होता है सिर्फ नाम लिखवाना होता है अपना, और हल्का फुल्का मेडिकल करते हैं वो, तबियत बुखार उखार तो नहीं है, और यात्रा में आप यात्रा कर सकते हैं ऐसी कुछ, इससे भी सुनते कठिन यात्रा है अमरनाथ से भी। आप ये मान लीजिए श्रीखंड जी तो मतलब कहते ना श्रीखंड शरीर का खंड बिल्कुल पूरा हो जाता है, मैं डालूंगा वीडियो आप देखना, काफी मुश्किल है, थोड़ा डालिएगा। हाँ पर फर्क है कि हमने 3 दिन में की तो हमें मुश्किल लगी, लेकिन वो यात्रा हम 6-7 दिन में भी कर सकते हैं, बहुत पास पास ही पड़ाव है ना, काली घाटी घाटी पास पास ही पड़ाव है तो आराम से कर सकते हैं, हमने जल्दबाजी में की मतलब जल्दी जाना जल्दी आना इसलिए, बाकी यात्रा करनी हो श्रीखंड जी के जहाँ थक गए आप वहीं रुक जाओ बढ़िया, और खाने की क्योंकि एक्चुअली क्या वो हिमाचल में है, वहाँ के लोकल लोग उसमें लगाते हैं सब कुछ, तो खाने वाने की व्यवस्था भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मजेदार यात्रा है, बहुत प्यारी यात्रा है, दोनों भंडारे उंडारे वहाँ भी मिलते हैं कि इसे सब अपना। नहीं नहीं वहाँ टेंट मिलते हैं सर, भंडारे 1-2 जगह मिलते हैं शुरू शुरू में ना, तो आगे तो कठिन चढ़ाई है, तो कठिन चढ़ाई में क्या होता है जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं ना वही लगाते हैं ऊपर, और वो अपनी रजाइयां कंबल वगैरह वही जमीन में मतलब गाड़ के आ जाते हैं खड्डों में ही, फिर अगले साल सुखा सुखू के फिर लगाते हैं, क्योंकि काफी हाइट पे है ना वो, तो भंडारे ऊपर भंडारे नहीं है पर हाँ 150 रुपए में एक आदमी का रात को रहना और दाल चावल आराम से मिल जाता है। अच्छा अच्छा मतलब हाँ कोई अच्छी फैसिलिटी, मतलब दूसरी बात वहाँ पे ये है ना कि जैसे टेरिस्ट वाला दिक्कत नहीं है, आप जब मर्जी यात्रा स्टार्ट करो, रात को यात्रा स्टार्ट करो, दिन में करो, कोई रोक टोक नहीं है, मौसम खराब ना हो बाकी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। अच्छा वहाँ रात में भी यात्रा चालू कर सकते हैं? हाँ चलते हैं लोग 9-10 बजे तक चलते हैं, कुछ लोग 4:15 बजे चलते हैं ग्रुपों में। अच्छा ठीक उसका थोड़ा सा वीडियो डालिएगा ना, ये भी डाल दीजिए कहाँ रुकना है कैसे कैसे अमरनाथ जी का जाता है वीडियो का तीसरा पैक डाल देंगे, ऐसे करते करते फटाफट डालेंगे अमरनाथ जी का, और एक आदि कैलाश गए थे हमारे भैया जी दीपक जी, उन्होंने भी अपनी वीडियो शेयर कर दी है, उनकी वीडियो बना रहे हैं, आदि कैलाश श्रीखंड किन्नर कैलाश और आपका ये अमरनाथ जी, ये चारों की वीडियो भगवान की कृपा से प्लान है अगले 10 दिन में हम बना बनू के अपने बाबा जी चैनल पर डालेंगे, लोग देखते रहे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टाइम भी है लोगों के पास अभी घर में, अभी समय भी लोग देख भी लेंगे अच्छे से, और भगवान ने अगर हमें ऐसा टाइम दिया तो उसका सही यूटिलाइज करें ना हम भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये किन्नर कैलाश वाला जाता है ये भी हिमाचल में ही है क्या? हाँ किन्नर कैलाश भी आपका ये रामपुर के पास है,
शिमला से आगे रामपुर, तो रामपुर से, तो ये रामपुर के पास में तो श्रीखंड की भी यात्रा उधर ही से जाती है ना। दोनों 90 दोनों की यात्राओं में 80 किलोमीटर का फर्क है, दोनों में 80-90 किलोमीटर का ना। पहले आपका श्रीखंड जी पड़ती है, श्रीखंड से 90 किलोमीटर आगे आपकी किन्नर कैलाश पड़ती है। तो हम जब गए थे हम किन्नर कैलाश गए थे, तो किन्नर नहीं श्रीखंड गए थे, श्रीखंड की यात्रा बंद हो गई, फिर हम किन्नर कैलाश कराए, फिर इस बार श्रीखंड गए हम, तो आराम से हमने श्रीखंड की भी कर ली। तो उसकी जैसे भी न्यूज आएगी ना, उनके भी हमारा ग्रुप बना हुआ है श्रीखंड का, जो लोग वहाँ हर साल जाते हैं वो ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप में जो न्यूज आएगी मैं अपडेट करता रहूंगा। पर अभी तो मेन ये है कि जैसा होगा बताइएगा, अगर कहीं बाई चांस अगर कुछ दिक्कत होता तो कहीं ना कहीं हम लोग चला जाएगा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो अभी मेन तो ये है कि अपना ये हो जाए अमरनाथ जी की यात्रा स्टार्ट हो जाए। अमरनाथ जी 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 जी, अभी तो बाबा का अभी तो पूरा सोचिए कि एक साल से वेट करते करते कि पूरा बाबा आप एक साल से, हम पिछले साल से ही हम वेट कर रहे थे, लेकिन पिछले साल हमारा नहीं हो पाया तो मैं वही केदारनाथ बद्रीनाथ चला गया। बंद है सब मंदिर बंद है कल तो, और भगवान से ये दुआ है कि फिर अमरनाथ जी मणिमहेश सारी यात्राएं फिर तो यात्राएं शुरू हो जाए, शुरू हो जाए सर, बस कंट्रोल हो जाए। फिर आपके साथ हम जुड़े हैं, आपके साथ पीछे पीछे हम रहेंगे, हम भी हर जगह चलेंगे अपना। मेन समस्या ये है कि हमें अपना इंडिया का देखना है अंदर का ना, बाहर से सब आना जाना बंद हो गया। अब इंडिया के केस कंट्रोल में हो गए, दिन के एक दो कहीं आ रहे हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन दिन के 300 आ रहे हैं तो वो टेंशन का विषय है। तो उसमें भी है जिससे बिल्कुल अब तो काफी ज्यादा बढ़ गया ना, हम देख रहे हैं काफी बढ़ गया। तो वही अगर बॉम्बे वगैरह में ऐसे आ रहे हैं तो बॉम्बे के लॉक रखेंगे, दिल्ली या ये सब खोल देंगे धीरे धीरे, कश्मीर में नहीं है कश्मीर खोल देंगे। तो वही है, केस धीरे धीरे कम होंगे तो जांच करेगा ना। समस्या ये है ना कि जब तक ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा ना, क्योंकि अभी 14 दिन में कुछ अब जो नए पकड़े जा रहे हैं, अब इनसे ग्रसित लोगों के लिए भी 14-15 दिन का समय देना पड़ेगा, इनको टाइम लगेगा जी, बिल्कुल सही बात। हाँ तो अभी इनको समय नहीं देगा, ये लोग कहाँ से मिलेंगे? हाँ पर ये इनको आदमी छोड़ देगा, ये अपना कहीं दवा वा खा के अपना बुखार उखार टेम्परेचर दबाते रहे, फिर कहीं बाद में फैला दे। पर ये है कि शायद गवर्नमेंट ऐसा करेगी जिन एरिया में बिल्कुल भी केसेस नहीं है ना, वहाँ पे थोड़ी छूट दे देगी, ताकि वो लोग तो थोड़ा नॉर्मली कर सकें, जहाँ बहुत ज्यादा केसेस हैं वहाँ पे नहीं देंगे शायद। अभी भी जानते हैं, हम तो देख रहे हैं लोकल क्षेत्र में, हम देख रहे हैं अपने यहाँ सब सुबह 8 से 12 बजे तक खुले छोटे लोग जा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं लोग। अच्छा जी, पूरा चल रहा है। अच्छा, क्योंकि हमारे बच्चे का कल तरफ में गया था दवा लेने के लिए, तो कहीं रोक टोक नहीं, मैं देखा पुलिस वाले बैठे थे सब, फिर बोले भी नहीं, दवा लेके चलाए बाबू के लिए थे। और आज सुबह अभी सुई लगवाना था, गए थे बगल में मार्केट छोटा सा, तो डॉक्टर से बच्चे डॉक्टर थे तो गए, तो देखे मार्केट में अभी तबियत में आराम है बेटे की? हाँ जी जी जी, सब बोले बाबा ठीक है, ठीक है वो। हाँ चलो बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। आप जी अपना कर लगा आपसे बात करके, मैं ये डाल दूँ ताकि और सारी मोटिवेशन चीजें मिले और कैसे करना है, बहुत अच्छा लगा। ओके ओके, जय बोले जी बाबा जी। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द और सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।